वेलकम बैक एवरीवन, आई एम सौरभ राजपूत। चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स इज गोइंग ऑन इन क्लास 5th। इन आवर लास्ट वीडियो वी डिड क्वेश्चन नंबर 1st ऑफ एक्सरसाइज 5A एंड टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो सी ए पार्ट वी हैव गिवन राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। हमें 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताने हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, टेबल्स। मींस 7 का हमें टेबल्स कितने टाइम पूछा है, वो 4 मल्टीपल्स पूछा है ना। इसका मतलब ये है हमें 7 का टेबल 4 टाइम्स लिखना है ना। वो हमारे क्या हो जाएंगे, 7 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, है ना। सी The first का मतलब जो सबसे पहले आते हैं। The first 4 multiples of 7 are कौन कौन से हो जाएंगे, 71 जा 7 कॉमा 72 जा 14, ओके 73 जा 21 कॉमा 74 जा 28, ओके। सो 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे, 7 कॉमा 14 कॉमा 21 कॉमा 28, है ना। ये हमारा ए पार्ट हो चुका है, ओके। नेक्स्ट सी बी पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट वी हैव गिवन राइट द 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स पूछ रहा है 5 के। अब सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता कौन सा है ना। 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 99 होता है, ये हम सब जानते हैं ना, वी ऑल नो दैट 99 होता है। अब हमें सबसे 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स बताने हैं 5 के, तो लार्जेस्ट नंबर तो ये है, लेकिन ये क्या 5 से डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो फिर इससे छोटा देखते हैं कौन सा, 98 होता है ना, वो भी नहीं हो पाएगा डिवाइड, 97 भी नहीं हो पाएगा, 96 भी नहीं हो पाएगा, कौन सा होगा 95 होगा सबसे पहले तो, है ना। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद डिवाइड होगा 90 हो पाएगा, है ना। 5 से फिर कौन सा आएगा, 85 आएगा, और देन फिर आएगा 80, है ना। 5 के मल्टीपल्स होने के लिए लास्ट वाली डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, है ना। तो सबसे लार्जेस्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 के कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो 95 होगा जो सबसे लार्जेस्ट मल्टीपल होगा 5 का, है ना। फिर होगा 90, फिर होगा 85 और फिर होगा 80, है ना। तो हमने कैसे पता किया, हमने ये पता किया सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, हमने देखा 99 होता है ना, यानी कि इसके बीच में ही आएंगे, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। तो हम ये चेक करेंगे सबसे पहले 99 क्या 5 से डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जब डिवाइड ही नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद कौन, 99 के बाद सबसे इससे छोटा कौन सा होता है, 98 होता है, 97 होता है, 96 भी होता है, लेकिन ये कोई भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। जब डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है तो उसका मल्टीपल्स नहीं होगा। इसके बाद कौन सा होगा, 95 ही हो पाएगा, ओके। फिर 95 के कौन सा नंबर हो पाएगा, उसके बाद 90 हो पाएगा, फिर उसके बाद 85 हो पाएगा, और फिर लास्ट में 80 हो पाएगा, है ना। ऐसे चलते चले जाएंगे 75 70, लेकिन हमें तो कितने चाहिए, लार्जेस्ट 4 चाहिए ना, तो ये हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, सॉल्यूशन ये हो जाएगा, The 4 largest 2 digit multiples of 5 are, कौन कौन से आए थे हमारे,
एक आया था 95, देन 90, फिर आया था आपका 85 और देन 80। ये आंसर हो जाएगा बस, है ना। द फोर लार्जेस्ट टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 95, 90, 85 एंड 80। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं सी पार्ट। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट जो हमें गिवन है, राइट द फोर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 11। अब हमें 11 के फोर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट मल्टीपल्स बताने हैं, है ना। ये आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, है ना। जैसे बी पार्ट था, बी में क्या था, हमें लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर बताए थे पहले, कितना था, 99 था। अब इसमें बोल रहा है वो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट, वो क्या होता है, 100 होता है ना, थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको फिर चेक करना है 11 के मल्टीपल्स बताने हैं, है ना, तो आप खुद से करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट वी हैव गिवन, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 13 दैट आर बिटवीन 100 एंड 115। हमें 30 के मल्टीपल्स बताने हैं जो 100 एंड 150 के बीच में आए, है ना। इसका मतलब यह है हमें 13 का टेबल लिखना है जो 100 और 150 के बीच में आए, है ना। अब आप देखिए 13 का टेबल जब आप लिखेंगे तो 13 7 जा कितने होते हैं, 91, वो तो 100 से छोटा हो गया, लेकिन 13 8 जा कितने होते हैं, 104, तो वो आ जाएगा 100 से ऊपर, है ना, 100 एंड 150 के बीच में। यानी कि हमें 13 का टेबल लिखना है 8 से जब स्टार्ट होता है, 13 8 जा 104, 39 जा 117 एंड 13 10 जा 130, है ना। फिर ऐसे ही करते चले जाएंगे आगे तक, देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, दी रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर, कौन कौन से होंगे, 13 का टेबल हम करते हैं ना, 13 8 जा 104, है ना, ये आ जाएगा एक, तो 100 से ऊपर चला गया। फिर इसके बाद आएगा 13 9 जा 117, 13 10 जा 130, है ना। अभी इससे भी आगे जा सकते हैं हम, है ना। अब इसमें फिर से 13 ऐड कीजिए, तो आप 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 143, है ना। अब क्या हम इससे आगे भी जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर इसमें हम फिर से 13 ऐड करेंगे तो कितना पहुंच जाएगा, 156 हो जाएगा, जो 150 से बड़ा होगा। हमें तो क्या चाहिए, 100 एंड 150 के बीच में चाहिए, तो उसके मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे, 104, 117, 130 एंड 143 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन, टिक द मल्टीपल्स ऑफ द कलर्ड नंबर्स। हमें अब इसमें मैं कलर तो कर नहीं सकता था, है ना, तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया है ना। हमें ये बताना है, टिक करने हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ 8, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या 8 के मल्टीपल्स हैं या नहीं, है ना, हमें ये चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम ये चेक करना है कि 8 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। जो नंबर आ जाएंगे उसको हम टिक कर देंगे, है ना, जो नहीं आएंगे उसको रहने देंगे, है ना। अब हम चेक करते हैं कि 16 8 के टेबल में आता है, यस आता है, तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल होगा। क्या 47 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप 47 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा, तो इसका मतलब ये 8 के टेबल में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 64, क्या ये 8 के टेबल में आएगा, जी आ जाएगा, है ना, आता है ना, कितने होते हैं, 8 8 जा 64, यानी कि 64 भी इसका मल्टीपल होगा। इसके बाद हम चेक करते हैं 98, क्या 98 8 से हो जाएगा डिवाइड, नहीं होगा। अगर आप 98 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 जा 8, है ना, कितना आ जाएगा 1, इसको लेंगे 18, है ना, 82 जा 16 आ जाएगा, या तो 3 रिमाइंडर बचा हुआ है, सॉरी 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो अब तो ये नहीं हो पा रहा है ना, रिमाइंडर जो बच रहा है इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है।
है ना, तो इसका मतलब 98 भी इसका मल्टीपल्स नहीं होगा। इसके बाद चेक करते हैं 112, क्या 112 हो जाएगा, चेक करते हैं। अगर समझ में ना आए इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा आप, है ना। देखिए चेक करते हैं, 8 1 8 कितना आ जाएगा, 3, इसको लेंगे 2 आ जाएगा, कितना आता है, 8 4 जा 32, हो गया ना, पूरा चला गया। इसका मतलब 112 भी 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से आ गए हमारे, 16 64 एंड 112। ओके, इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट वी हैव गिवन 46, 81, 38, 99, 108। अब हमें ये चेक करने हैं क्या ये 9 के मल्टीपल्स हैं या नहीं है। तो वही प्रोसेसर फिर से हम क्या करेंगे, 9 के टेबल में चेक करेंगे क्या आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। देखिए 46 क्या 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है, नहीं आता है, उसका मतलब 46 9 का मल्टीपल्स नहीं होगा। 81 आता है क्योंकि कितने होते हैं, 9 9 जा 81, तो इसको हम टिक लगा देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 9 का मल्टीपल। ओके, देन 38 क्या 9 से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 के टेबल में 38 आता ही नहीं है ना। इसके बाद करते हैं हम 99 भी 9 से डिवाइड हो पाएगा क्योंकि 11 9 जा होते हैं 99, इसका मतलब 99 भी 9 का मल्टीपल होगा। देन देखते हैं 108 हो पाता है क्या, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है ना, 9 1 जा 9 1 आ जाएगा, माइनस करके 8 लेंगे हम, 9 2 जा 80, हो पा रहा है ना, पूरा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब 108 भी 9 का मल्टीपल होगा, है ना। तो 9 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए, 81 99 एंड 108, इसको हमने टिक कर दिया है ना। इसके बाद एक पार्ट और बचा हुआ है सी पार्ट, वो आप खुद से करेंगे, है ना। ओके, सी पार्ट आप खुद करेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज से, है ना। ओके, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।